We will study chapter number 7 of ES. I love Gujarat. Okay, ES का हम 7th lesson explain करूंगी मैं अब आपको. It is a flamingo. Here, यहाँ पर picture दिया हुआ है flamingo का. Flamingo is a bird. Okay. Every year it migrates to Gujarat. Migrates. Migrates का meaning क्या होता है? Migrates means जो दूसरी country से, other country से हमारे यहाँ पर आते हैं उनको migrates बोलते हैं. Okay. Flamingo is a state bird of Gujarat. Flamingo गुजरात की स्टेट बर्ड है भाई. फ्लेमिंगो इज अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. फ्लेमिंगो कहाँ से आती है? फॉरेन कंट्रीज से आती है. फॉरेन कंट्रीज इट मीन्स आउट ऑफ आर कंट्री. अलोंग विथ फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम. फ्लेमिंगो के साथ साथ दूसरी भी बर्ड्स हमारे यहाँ पर आती है. बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होगी? बर्ड्स कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, चिंकारा. चिंकारा एनिमल है जो बोल रहा है कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू वी वेलकम इन गुजरात. आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. चिंकारा ने फ्लेमिंगो को वेलकम किया है और वहां पर गुजरात में काए वेलकम इन गुजरात. और यहाँ पर डेजर्ट ऑफ कच्छ, वी आर वेलकम यू टू इन डेजर्ट ऑफ कच्छ. फ्लेमिंगो हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस इजंट इट. फ्लेमिंगो पूछती है उससे कि यहाँ पर मोर क्वांटिटी में सॉल्ट होता है, बहुत सारा सॉल्ट होता है ना? Yes, more than half of the total production of salt of our country is produced in small desert of Kutch. है ना? Total production of our country, जितना भी हमारी country को का production है, total production, उससे बहुत ज़्यादा production जो है वो desert of Kutch में होता है. किसका? Salt का. In addition to the Kandla Harbour located in the Bay of Kutch is the second largest harbour of the country. है ना? कंडला क्या है? Biggest port है. Okay, वो भी कहाँ पर situated है? कच्छ में. International trade is promoted here. यहाँ से international trading होती है. International trading का meaning क्या है? कि ships में, ships बड़े बड़े ships होते हैं oceans के अंदर, sea के अंदर. सी किसको बोलेंगे? जो बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पर बहुत बड़े, बहुत सारा अमाउंट में वाटर होता है, उसको बोलेंगे हम सी. तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ उसको हम बोलेंगे गुड्स लेकर. हमारे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है वो हम दूसरे कंट्री में सप्लाई करते हैं, उससे हमारा ट्रेडिंग होता है. ट्रेडिंग होता है इट मीन्स बिजनेस होता है, वहाँ से लाना और यहाँ से देना, उसमें ट्रेडिंग होता है. तो कंडला पोर्ट इज द इंटरनेशनल ट्रेडिंग का बहुत बड़ा प्लेस है. ओके, फ्लेमिंगो, फाइन टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस्ड मी कच्छ टू मी. आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. आई विल लीव नाउ, बाय बाय. अब उन्होंने, फ्लेमिंगो ने चिंकारा को क्या बोला है कि अब तुमने सिर्फ मुझे गुजरात के बारे में बताया, मुझे बहुत कुछ देखना है. ओके, बाय. Grass growing in the Bani region of Kutch is the tallest grass in Asia. Bani region में सबसे tallest grass होती है, जो Asia की सबसे tallest grass है. Okay? Think and say, which other birds come to your village from other place? आपको ये सोचना है, और आप जहाँ पर गांव में रहते हैं वहाँ पर दूसरे places से birds आती है. Why do birds from foreign countries migrate to our state? क्यों हमारे स्टेट में आती है? दूसरे कंट्रीज से बर्ड्स माइग्रेट होकर हमारी कंट्री में क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि उस समय
का जो वहां का सीजन होता है जहां पर बर्ड्स रहती है वहां का सीजन उनके टाइप का नहीं होता है, जबकि गुजरात में वो सीजन यहाँ पर होता है, इसके लिए वो घूमते हुए यहाँ पर आते हैं। ओके, नाउ फ्लेमिंगो हैज रीच्ड टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। फ्लेमिंगो वहां से उठ के कच्छ से उठकर कहाँ पर उड़कर कहाँ आती है, पिरोटन आइलैंड जो कहाँ है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट में है और वो बे ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। फ्लेमिंगो, यस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। फ्लेमिंगो कहाँ से आती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, वो जहाँ पर कोल्ड रीजन होता है। एब्डासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो, सबसे ज्यादा कहाँ है, एब्डासा में। दिस टाइम वी थॉट टू विजिटिंग गुजरात हैंस वी कैम हियर, है ना, इस बार उन्होंने क्या सोचा कि वो उनको गुजरात देखना है इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। डॉल्फिन, कम विथ मी एंड सी हियर आर द कोरल रीफ्स, देयर आर स्टार फिश, जेली फिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक मी, इवन सी कुकुम्बर, टॉर्टोइस एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर। ओके, बे ऑफ कच्छ में कौन कौन से एक्वेटिक एनिमल्स हैं, स्टार फिश, जेली फिश, डॉल्फिन, सी कुकुम्बर, टॉर्टोइस, ऑक्टोपस और ये इतने सारे हैं। थिंक एंड से, विच एक्वेटिक एनिमल अराउंड यू आर सी थॉट आउट द ईयर, कौन सा एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल लास्ट लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्वेटिक एनिमल किसको बोलेंगे जो पानी में रहता है ना, तो कौन सा एक्वेटिक एनिमल है, फिश बोल सकते हैं हम। विच एनिमल आर सीन ड्यूरिंग मॉनसून, मॉनसून में कौन से एनिमल्स हमको देखने को मिलते हैं, फ्रॉग मिलता है देखने को। वेयर डू फ्रॉग गो आफ्टर मॉनसून, कहाँ चला जाता है, अंडर द लैंड। व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट द एनिमल लिविंग इन वाटर, एनिमल जो वाटर में लिव करते हैं एनिमल्स, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको के लिए वाटर सेफ और क्लीन रखकर, है ना। डॉल्फिन इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ आर कंट्री, डॉल्फिन क्या है, आर नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। देन लायन, उसके बाद डॉल्फिन के बाद फ्लेमिंगो को कौन मिलता है, लायन, दिस इज लायन। लायन वेलकम करते हैं फ्लेमिंगो को, फ्लेमिंगो डू यू लिव हियर, लायन यस, वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया। लायन सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में, एंटायर एशिया, एशिया के सबसे ज्यादा लायन कहाँ पर है, गिर फॉरेस्ट में। गिर फॉरेस्ट इज द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायन इन एंटायर एशिया। ओके, गिर फॉरेस्ट जो है वो सबसे अकेला एक सेंचुरी है जहाँ पर एशियाटिक लायंस मिलते हैं। फ्लेमिंगो, व्हाट इज अ सेंचुरी, अब यहाँ पर वर्ड कौन सा आया, सेंचुरी, सेंचुरी किसे बोलेंगे, अ प्रोटेक्टेड रीजन, अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रीड इज नोन एज सेंचुरी। सेंचुरी किसको बोलते हैं, जो प्रोटेक्टेड होता है एनिमल्स के लिए, प्रोटेक्टेड रीजन होता है जहां पर बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं, वहां पर उनके लिए कोई केज वगैरह नहीं होता है, वो फ्रीली फॉरेस्ट एरिया जैसा होता है जहां पे वो फ्रीली घूम सकते हैं और विदाउट एनी फियर और प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, तो वैसे रीजन को क्या कहेंगे, सेंचुरी। देयर आर सेंचुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बियर, वाइल्ड एस, ब्लैक बक एंड चिंका। ओके, यहाँ पर इन सेंचुरीज में बियर, वाइल्ड एस, ब्लैक बक एंड चिंकारा जैसे एनिमल्स भी रहते हैं। ओके, अब इस लेक्चर में हम यहीं तक स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टडी अगेन लास्ट, आगे का लेक्चर जो है वो